Hey guys, welcome to today's video. आज के वीडियो में हम स्टॉक मार्केट इनकम से जुड़े टैक्सेस के बारे में बात करने वाले हैं। हम देखेंगे कैसे आप इक्विटी डिलीवरी, इंट्राडे, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस या म्यूचुअल फंड में जब प्रॉफिट बुक करते हैं तो आपको कितना टैक्स देना पड़ता है, और जब इनमें आपको लॉसेज होते हैं तो आप कैसे उनको सेट ऑफ कर सकते हैं। इसके अलावा बजट 2023 में जो भी मेजर अपडेट्स आए हैं, चेंजेस आए हैं, हम उनको भी देखेंगे। तो इस वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक जरूर देखिएगा। मैं कोशिश करूंगा इस वीडियो को ज्यादा कॉम्प्लिकेट ना करूं, हम सिंपल वर्ड्स में इन चीजों को समझने की कोशिश करेंगे ताकि एक लेमैन को भी आसानी से समझ में आ सके। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब दोस्तों, स्टॉक मार्केट से जुड़े टैक्सेस को जानने से पहले हमें ये जानना चाहिए कि स्टॉक मार्केट में कितने तरीके के ट्रांजैक्शन होते हैं। तो यहाँ पर मेजरली तीन तरह के ट्रांजैक्शन होते हैं, इक्विटी डिलीवरी, इंट्राडे और फ्यूचर एंड ऑप्शंस। अब इक्विटी डिलीवरी क्या होता है? तो मान लीजिए आज आपने स्टॉक को खरीदा है और उसको शॉर्ट टर्म के लिए होल्ड करके रखा है या फिर लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करके रखा है, तो वो इक्विटी डिलीवरी के अंडर में आएगा। और मान लीजिए आज आपने स्टॉक को खरीदा है और उसको कल बेच दिया है, तो वो भी इक्विटी डिलीवरी के अंडर में आएगा। इसके अलावा म्यूचुअल फंड में जो भी टैक्स लगते हैं वो भी इक्विटी डिलीवरी की तरह ही ट्रीट किए जाते हैं। इसके बाद बात करेंगे इंट्राडे की। तो इंट्राडे का मतलब होता है कि आज आपने स्टॉक को खरीदा है और आज ही के दिन आपने उस स्टॉक को बेच दिया है, तो वो इंट्राडे कहलाएगा। उसके बाद फ्यूचर एंड ऑप्शंस, ये डेरिवेटिव ट्रेडिंग होती है। अब आपको यहाँ पर ये चीज ध्यान रखनी है कि जो इंट्राडे और फ्यूचर एंड ऑप्शन से आपको इनकम होगी वो बिजनेस इनकम की तरह ट्रीट होगी। अब अगर इक्विटी डिलीवरी या म्यूचुअल फंड से जुड़े टैक्सेस के बारे में बात करें तो यहाँ पर दो तरीके के टैक्सेस लग सकते हैं। एक है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स और दूसरा है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स। पहले बात करेंगे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स की। तो मान लीजिए आज आपने स्टॉक को खरीदा है और उसको आपने एक साल के लिए होल्ड करके रखा है, यानी कि 365 डेज के लिए होल्ड करके रखा है, तो यहाँ पर आपको उस पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स लगेगा। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स में क्या होता है कि आपने आज स्टॉक को खरीदा है और आपने एक साल के अंदर अंदर उसको बेच दिया है, तो उस केस में वहां पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स लगेगा। अब मान लीजिए आपने 365 डेज की जगह 364th डे पे स्टॉक को बेच दिया है, तो ऐसे केस में भी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स लगेगा। तो यहाँ पर मतलब ये है कि अगर आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स देना है तो आपको मिनिमम 365 डेज के लिए स्टॉक को होल्ड करना जरूरी है। अब जान लेते हैं कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स में कितना टैक्स आपको देना होगा। तो सबसे पहले हम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स को देख लेते हैं। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स में सबसे अच्छी बात यह है कि अगर आपने 1,00,000 रुपए तक का प्रॉफिट कमाया है तो आपको वहां पर 0% टैक्स देना है। यानी कि आपने मान लीजिए कोई स्टॉक को बेचा है और उससे आपको 1,00,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ है, तो ऐसे में आप पर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। अब एक और केस लेते हैं। मान लीजिए आपने लॉन्ग टर्म के बाद कुछ स्टॉक्स को बेचा है और आपको 5,00,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ है, तो ऐसे में 1,00,000 रुपए पर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा और बचे जो 4,00,000 है उस पर 10% टैक्स लगेगा। तो यहाँ पर 1,00,000 रुपए के बाद जो भी प्रॉफिट आपको होगा उस पर 10% लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स लगता है। ये तब लगेगा जब आप एक साल से ज्यादा किसी स्टॉक को होल्ड करके रखेंगे। अब बात करते हैं शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स की। तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स में फ्लैट 15% का टैक्स लगता है। यहाँ पर जो 1,00,000 रुपए का एग्जेम्पशन मिलता था लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स में, वो यहाँ पर शॉर्ट टर्म में आपको नहीं मिलेगा। आपका कोई भी टैक्स स्लैब हो, आपको यहाँ पर 15% फ्लैट टैक्स देना है। लेकिन अगर आप नए टैक्स रिजीम को फॉलो करते हैं तो सेक्शन 87A पर आपको 25,000 रुपए तक का रिबेट मिल सकता है। तो ये था डिफरेंस बिटवीन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स एंड शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स। अब जान लेते हैं इस साल के बजट में क्या मेजर चेंजेस आए हैं। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स में तो कोई भी चेंजेस नहीं आए हैं, लेकिन इस साल जो मेजर चेंज आया है वो है डेट म्यूचुअल फंड स्कीम्स को लेकर। तो अप्रैल 2023 तक अगर आप डेट म्यूचुअल फंड स्कीम्स में इन्वेस्ट करते थे और आप उसको 3 साल तक होल्ड करके रखते थे, तो ऐसे में आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स देना पड़ता था जो कि 20% था, और प्लस आपको यहाँ पर इंडेक्सेशन बेनिफिट मिलता था। तो अगर इंडेक्सेशन बेनिफिट को अगर आप माइनस कर देंगे तो लगभग आपको 10% टैक्स देना पड़ता था। लेकिन अब अप्रैल 2023 के बाद से अगर आप डेट म्यूचुअल फंड स्कीम्स में इन्वेस्ट करते थे तो आपको जो भी टैक्सेस हैं वो अपने टैक्स स्लैब रेट के हिसाब से देने होंगे। अब डेट म्यूचुअल फंड स्कीम्स क्या होती हैं ये जानना भी जरूरी है। तो बजट में बताया गया है कि जो स्कीम्स 35% से कम इक्विटीज में इन्वेस्ट करती हैं वो डेट म्यूचुअल फंड स्कीम्स के अंडर में आ जाएंगी। तो पहले जो डेट म्यूचुअल फंड स्कीम्स में बेनिफिट मिलता था वो इस बार बजट में हटा दिया गया है, और जो डेट म्यूचुअल फंड स्कीम्स में जो टैक्सेस हैं वो फिक्स डिपॉजिट्स के बराबर कर दिए गए हैं। अब देख लेते हैं कि अगर आपको स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने पर लॉसेज होते हैं तो उस केस में आपको टैक्सेस का क्या करना है। तो यहाँ पर भी दो तरीके के लॉस होंगे, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस और लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस। अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस की बात करें तो अगर आप अपने लॉसेज को फाइल करते हैं तो आप अगले 8 असेसमेंट ईयर्स तक उस लॉस को सेट ऑफ कर सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट होता है कि अगले 8 साल तक आप उन लॉसेज को सेट ऑफ कर पाएंगे। इसके अलावा एक चीज आपको यहाँ पर यह ध्यान रखनी है कि जो भी लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉसेज होंगे वो आप लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से ही सेट ऑफ कर सकते हैं। अब बात करते हैं शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस की। तो यहाँ पर भी अगर आप रेगुलर टैक्स फाइलिंग करते हैं और अपने लॉसेज को रिपोर्ट करते हैं तो आप अगले 8 असेसमेंट ईयर्स तक अपने लॉसेज को सेट ऑफ कर पाएंगे।
लेकिन शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस में आपको ये बेनिफिट है कि आप इसको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स से और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स से दोनों से सेट ऑफ कर सकते हैं। तो लॉन्ग टर्म लॉस को तो आप लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से ही कर सकते हैं, लेकिन शॉर्ट टर्म को आप शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से दोनों से सेट ऑफ कर सकते हैं। अब देख लेते हैं इंट्राडे एंड एफएनओ से रिलेटेड टैक्सेस को। तो यहाँ पर दो तरह की ट्रेडिंग होती है, एक होती है स्पेकुलेटिव ट्रेडिंग और एक होती है नॉन स्पेकुलेटिव ट्रेडिंग। तो जो इंट्राडे ट्रेडिंग है उसको स्पेकुलेटिव ट्रेडिंग कहा जाता है और जो फ्यूचर एंड ऑप्शंस की ट्रेडिंग है उसको नॉन स्पेकुलेटिव ट्रेडिंग कहा जाता है। अब हम इस चीज के बारे में पहले बात कर चुके हैं कि इंट्राडे और एफएनओ की जो भी इनकम होगी वो बिजनेस इनकम कहलाती है। अब यहाँ पर जो स्पेकुलेटिव और नॉन स्पेकुलेटिव बिजनेस इनकम जो होती है उसको आपको अपनी अदर इनकम से ऐड करना है। जैसे कि मान लीजिए इसके अलावा आप बिजनेस करते हैं तो उसकी बिजनेस की इनकम, या फिर आप सैलरीड एम्प्लॉय हैं तो आपकी सैलरी से, या फिर आपका रेंटल इनकम आती है, बैंक का इंटरेस्ट आता है, तो जो भी इनकम आपकी अदर इनकम्स में आएंगी उसमें आपको इस बिजनेस इनकम को ऐड करना है और इसके बाद जो भी आपका टैक्स लाभ होगा उसके हिसाब से आपको टैक्स पे करना है। चलिए इसको एक एग्जांपल से समझ लेते हैं ताकि आपको चीजें क्लियर हो जाएं। तो मान लीजिए आपकी सैलरी या बिजनेस इनकम 10 लाख रुपीस पर ईयर की है। इसके बाद आपको जो एफएनओ से प्रॉफिट हुआ है वो 1 लाख रुपए का है और जो इंट्राडे से प्रॉफिट हुआ है वो 1 लाख रुपए का है। तो आपकी टोटल इनकम कितनी होगी? तो मान लीजिए आपकी सैलरी और बिजनेस की जो 10 लाख रुपए है उस पर आपको 1 लाख रुपए ऐड करना है एफएनओ का और 1 लाख रुपए इंट्राडे से जो प्रॉफिट हुआ है वो ऐड करना है। तो टोटल इनकम आपकी 12 लाख रुपए हो जाएगी। अब इस 12 लाख को आपको अपने टैक्स स्लैब के हिसाब से पे करना है। तो अगर आप नए टैक्स रिजीम में इसको देखेंगे तो आप 10 लाख से 12.5 लाख के अगर ब्रैकेट में आते हैं तो आपको 20% टैक्स यहाँ पर देना है। अब कुछ चीजें आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है, वो पॉइंट्स मैं आपको बता देता हूँ। तो पहला, तो जो भी इनकम आपको होती है वो बिजनेस इनकम कहलाएगी और ये आपको इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन में ITR में फाइल करना होगी। इसके अलावा अगर आप एफएनओ ट्रेड करते हैं तो इसके लिए आपको सेपरेट कंपनी बनाने की जरूरत नहीं है, कोई भी इंडिविजुअल एफएनओ में ट्रेड कर सकता है। सैलरी क्लास एम्प्लॉय या फिर रिटायर्ड एम्प्लॉय ये सारे एफएनओ में ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज जो हैं वो स्पेकुलेटिव ट्रेडिंग नहीं कर सकते। दूसरा पॉइंट ये है कि जब भी आप कोई बिजनेस करते हैं तो उसको बिजनेस करने में कुछ एक्सपेंसेस भी आपके होते हैं, तो वो भी आप यहाँ पर डिडक्ट कर सकते हैं, उसके बाद आपको टैक्स फाइल करना है। जैसे कि आपने मान लीजिए कोई ऑफिस लिया है उसका आप रेंट देते हैं तो वो भी आप यहाँ पर जोड़ सकते हैं। इंटरनेट चार्जेस, ब्रोकरेज कमीशन, डीमैट अकाउंट चार्जेस, इसके अलावा जो लैपटॉप और पीसी आपने लिया है जिससे आप ट्रेड करते हैं उसका डेप्रिसिएशन, इसके अलावा अगर आप किसी से कंसल्टेंसी लेते हैं तो उसके चार्जेस भी आप यहां पर ऐड कर सकते हैं। अब जितने सारे एक्सपेंसेस आपको ट्रेडिंग करते समय आए हैं वो सारे एक्सपेंसेस आप अपने प्रॉफिट से डिडक्ट कर सकते हैं और उसके बाद जो भी प्रॉफिट आता है उस पर आपको टैक्स देना है। एक चीज आपको यहां पर ध्यान रखनी है कि जो भी एक्सपेंसेस आपको लग रहे हैं यहां पर उसका आपको प्रॉपर बिल्स या फिर जो रिसीट है वो मेंटेन करनी है। अब अगर ITR फाइलिंग करनी है तो क्या करना होगा ऐसे में? तो यहाँ पर दो स्टेप्स हैं। पहले तो आपको यहाँ पर जो टैक्स स्टेटमेंट है वो डाउनलोड करना है। तो आपको क्या करना है, अपने डीमैट अकाउंट पे जाना है और वहां पर आपको प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट मिल जाएगा आपका, उसको आपको वहां डाउनलोड करना है। अब जब आप इस प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को डाउनलोड कर लेंगे उसके बाद दो तरीके के फॉर्म्स हैं, तो आप जिस कैटेगरी में आते हैं उस फॉर्म को आपको फिल करना है। पहली कैटेगरी ये है कि आप एक सैलरीड एम्प्लॉय है और आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं या फिर इक्विटी डिलीवरी के थ्रू ट्रांजेक्शन करते हैं, तो ऐसे में आपको ITR 2 फॉर्म भरना है। और अगर आप सैलरीड एम्प्लॉय हैं और आप इंट्राडे या फिर एफएनओ पे ट्रेड करते हैं और इसके अलावा आपकी इक्विटी इनकम भी होती है तो आपको ITR 3 फॉर्म फिल करना है। अब कुछ चीजें आपको ITR फाइल करते समय ध्यान रखनी है। पहला तो आपको जो भी लॉसेस होते हैं वो आपको हर साल रिपोर्ट करने हैं। अगर आप अपने लॉसेस को रिपोर्ट नहीं करेंगे तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको नोटिस भेज सकता है। दूसरा, अगर आपको एफएनओ से लॉसेस हुए हैं तो आप उसको सेट ऑफ कर सकते हैं अपने बिजनेस इनकम से, लेकिन अगर आप सैलरीड एम्प्लॉय हैं तो आप एफएनओ के लॉसेस को सेट ऑफ नहीं कर सकते। मान लीजिए आपकी बिजनेस इनकम 10 लाख रुपए की है और आपको एफएनओ ट्रेड करते समय 5 लाख रुपए का नुकसान हो जाता है, तो आपको 10 लाख में से 5 लाख को माइनस कर देना है और फिर जो 5 लाख बचते हैं उस पर ही आपको टैक्स देना है। तो दोस्तों, आई होप आज का वीडियो आपको वैल्यूएबल लगा होगा और अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कीजिए। और इस वीडियो को लेकर कोई भी क्वेरीज हैं, कोई डाउट्स हैं तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपके सवालों के जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आने वाले वीडियोस की अपडेट मिस ना हो। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट डे।